अयोध्या में होने वाले भव्य दीपोत्सव से पहले आज राम की नगरी में योगी कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक अयोध्या के अंतर्राष्ट्रीय कथा धाम में होगी। इस बैठक में अगले साल 22 जनवरी को होने वाले रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम समेत कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगेगी। इसके अलावा इस कैबिनेट बैठक में 2 दर्जन प्रस्ताव रखे जाएंगे और अयोध्या को कई बड़ी सौगात मिलने वाली है। बैठक से पहले सीएम योगी सुबह 11 बजे पूरे मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ हनुमानगढ़ी का दर्शन पूजन करेंगे। इसके बाद दोपहर 12 बजे कैबिनेट की बैठक होने वाली है और उसके बाद रामलला के दर्शन के भी कार्यक्रम है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज दोपहर 12 बजे योगी कैबिनेट की बैठक होने वाली है। भव्य दीपोत्सव के लिए राम की पैड़ी समेत पूरी अयोध्या नगरी सज धज कर तैयार है और इस कैबिनेट बैठक को लेकर के भी इसे कई मायनों में बेहद अहम देखा जा रहा है, क्योंकि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले ये जो बैठक है उसमें अयोध्या नगरी के कायाकल्प को लेकर के भी कई सौगात दी जाएगी। और ऐसे में दोपहर 12 बजे जो ये बैठक होने वाली है उसके पहले हनुमानगढ़ी में दर्शन के लिए पहुंचेंगे योगी आदित्यनाथ। कैबिनेट जो है प्रस्ताव है और उसको स्वीकृति की जाती है कैबिनेट के द्वारा और अयोध्या से भी कुछ प्रस्ताव स्वीकृत होंगे और यहाँ अयोध्या में हम लोग को बहुत तेज गति से स्वीकृतियाँ मिली है और यह अयोध्या में 30,000 करोड़ की परियोजनाएं वर्तमान समय में केंद्र और राज्य सरकार की चल रही है, तो काफ़ी तेज गति से यहाँ स्वीकृतियाँ हो रही है, तो उसमें हम लोग को काफ़ी सहयोग मिल रहा है और डेवलपमेंट की गति काफ़ी तेज हुई है। हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए आशुतोष सिंह जुड़े हुए हैं गढ़ी मंदिर के बाहर से अयोध्या से और साथ ही हिमांशु दीक्षित राम मंदिर के प्रवेश द्वार से हमारे साथ बने हुए हैं। पहले आशुतोष का रुख कर लेते हैं क्योंकि हनुमानगढ़ी पहले पहुंचेंगे कैबिनेट की बैठक से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आशुतोष जरा तैयारियां दिखाएं और जरा ये भी बताएं कि कितने बजे तक पहुंचेंगे योगी आदित्यनाथ वहां दर्शन के लिए और उसके बाद का क्या कार्यक्रम है आज। बिल्कुल श्वेता, निश्चित तौर पे ये अयोध्या के लिए एक खास लम्हा है क्योंकि जिस अयोध्या में जो सरकारें थी वो कदम रखने से घबराती थी, सरकारी नुमाइंदे यहाँ आने से डरते थे, आज उसी अयोध्या में उसी रामलला के दरबार में जो योगी आदित्यनाथ की समूची जो कैबिनेट है वो आज पहुंचेगी और उसके बाद दर्शन पूजन करेगी। सबसे पहले जो पूरी कैबिनेट की जो टीम है वो सबसे पहले हनुमानगढ़ी जाएगी और उसके बाद रामलला के दर्शन करने जाएगी और इसके लिए जो तैयारियां हैं वो हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये देखिए यहीं से हनुमानगढ़ी के लिए अंदर रास्ता जाता है और अब यहाँ पर जो तैयारियां हैं वो बिल्कुल चाक चौबंद कर ली गई हैं। हर आने जाने वाले शख्स पर जो कड़ी निगरानी रखी जा रही है, आप तस्वीरों में की जो पुलिस की जो जवान हैं वो यहाँ पर मुस्तैद हैं, इसके साथ ही लगातार यहाँ पर पेट्रोलिंग की जा रही है। देखिए निश्चित जो आज की जो बैठक है वो बेहद अहम है, अहम इस लिहाज से भी क्योंकि जिस तरीके से अयोध्या के विकास में न सिर्फ विकास आध्यात्मिक स्वरूप का बल्कि भौतिक तौर पर भी जो अयोध्या का विकास है वो करने के लिए जो योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और इस ताकत का जो एक नुमाइश होगी वो 11 नवंबर की शाम को देखने को मिलेगी जब पूरी अयोध्या लगभग 21 लाख दियों से रोशन होगी और उसके पहले जो तैयारियों में किसी तरीके की कोई कमी न रह जाए इसके लिए खुद सीएम योगी आदित्यनाथ अब से कुछ देर बाद लगभग 11 बजे यहां पर पहुंचेंगे और सबसे पहले वो हनुमानगढ़ी ही जाएंगे और इसके बाद रामलला के दर्शन करने के बाद जो मंत्रिमंडल की जो बैठक होगी उसमें हिस्सा लेंगे। तो इस खास पल के लिए न सिर्फ अयोध्या बल्कि पूरे प्रदेश की नजर है कि किस तरीके से आज योगी आदित्यनाथ अपनी पूरी टीम के साथ रामलला के दरबार में जाएंगे। देखिए 22 जनवरी की तारीख है वो बेहद अहम है क्योंकि इसी दिन प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, लिहाजा जो सरकार ये चाहती है कि इसमें किसी तरीके की कोई कमी न रह जाए और यही कारण है कि अब अयोध्या को पूरे तरीके से विकसित किया जा रहा है, चाहे वो ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में हो या इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हो या फिर अन्य दूसरे क्षेत्रों में लगातार यहाँ पर विकास कार्य किए जा रहे हैं। लगभग 30 जुड़े हुए हैं लेकिन हिमांशु के से आगे भी जानकारी हासिल करेंगे क्योंकि कैबिनेट की जो बैठक है 12 बजे होने वाली है तो अपडेट्स उनसे भी लेंगे, लेकिन फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।